फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। यूट्यूब ने नई अपडेट लॉन्च की है, तो इस अपडेट को आप देख लें कि ज़रा आपने किस तरह से अपने चैनल को एडजस्ट करना है, ताकि आपको चैनल किसी भी वजह से डिसेबल ना हो और प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ेंगी आपको बाद में उनसे आप बच सकें। तो उस अपडेट को आपने सेट कैसे करना है, यहाँ से जाके आपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। जब आप YouTube स्टूडियो में जाएंगे तो आपको सामने एक ऑप्शन नजर आएगी दोस्तों, ये देखिए ऊपर जो अलर्ट है, इंपॉर्टेंट ऑल क्रिएटर्स आर ऑब्लिगेटेड टू टेक एक्शन टू कंप्लाई विद द चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट और अदर लॉज, रिव्यू योर चैनल एंड वीडियो सेटिंग। तो यहां पे आप जाएंगे सिलेक्ट चैनल सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, अब हर मुल्क के लिए इन्होंने जरा डिफरेंट रूल्स रखे हैं। तो पाकिस्तान के लिए या बाकी जरा ज्यादातर कॉमन मुल्कों के लिए, जो बच्चे 13 साल से नीचे होते हैं उनको बच्चा तस्वर किया जाता है और जो ऊपर होते हैं उनको एडल्ट तस्वर किया जाता है। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो आप वीडियोस बनाते हैं क्या वो बच्चों के लिए कॉन्टेंट बनाते हैं आप, किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए? नहीं बनाते तो वो भी ऑप्शन है, और अगर आपको समझ नहीं लग रही कि यार ये पता नहीं बच्चों के लिए है या नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो अगर आप कुछ नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो फिर आपकी वीडियो जो है वो रिव्यू में चली जाएगी और फिर यूट्यूब डिसाइड करेगा कि ये बच्चों के लिए है या नहीं है। तो जैसे कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं नो सिलेक्ट करूंगा। नो सिलेक्ट करने के बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सेटिंग सेव हो गई है। तो दोस्तों इस तरह जो जो यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनसे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट थी, तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इसमें चेक करें कि ज़रा आपके साथ कहीं ये मसला या प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह अगली भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।